हेलो अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और ये पैरट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो इससे मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि इसको हैंड फीड कैसे करानी है, तो ये वीडियो आपका इस वीडियो का टॉपिक देख लिया होगा कि ये इसको टॉकिंग कैसे सिखानी है पैरट को। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको टॉकिंग कैसे सिखानी है और बेस्ट तरीका बताती हूँ। मेरा थोड़ा थोड़ा टाइम है तो इंशाल्लाह टाइम की भी अगली वीडियो डालूंगा कि इनको टाइम कैसे करते हैं, और जेंडर की भी डालूंगा कि इनका जेंडर कब पता चलता है। तो आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का लिंक मिलता रहे और पता चलता रहे कि मेरी कौन कौन सी वीडियो आ गई है और आपको इन्फॉर्मेशन छोटे से मिलती रहे। तो आपने जब करना है इसको टॉकिंग सिखानी है, यही एज होती है इसकी टॉकिंग की, इसी एज में टॉकिंग बेस्ट होती है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखें, टाइम इसका स्पेंड करें, प्लेइंग करें, इनके साथ खेलें, तो फिर यह टॉकिंग आसानी से सीख जाएगा। मना कि वो टॉकिंग नहीं सीखेगा आप ज़्यादा देर बाद सिखाएंगे। तो आपने टॉकिंग कैसे सिखानी है, इसको पकड़ना है और आपने इसके मुंह के पास बोलना है। जैसे मैंने मियाँ मिठू अगर सिखाना है तो मियाँ मिठू मियाँ मिठू मियाँ मिठू इसके कान के पास दिन में 3 दफ़ा 10-10 मिनट तक इसके कान के पास ला के एक ही लफ्ज़ बोलना है। आपने ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पर लगा दें तो फिर इसके पास रख दें, ऐसे नहीं करना। आपने खुद बोलना है, सिर्फ 3 टाइम ही बोलना है आपने दिन में, सिर्फ 3 टाइम 10-10 मिनट। तो इस ऐसे इजीली आपका तोता सीख जाएगा। और इनकी सीखने की एज होती है जो पैरेट टॉकिंग करने लग जाता है 4 से 5 मंथ में ये विसिंग करने लग जाता है, और 6 से 7 मंथ के अंदर अंदर ये टॉकिंग भी करने लग जाता है। तो माशाल्लाह मेरा तोता बहुत एक्टिव है। आज की वीडियो बस इतनी सी ही है, आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको लिंक मिलता रहे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।